अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। वज़ीर आला सिंध सेवन और मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर रवाना हो गए और उन्होंने वहाँ पहुँच कर जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं उनका जायज़ा लिया और सैलाब के जो नुकसान हैं उनका जायज़ा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ जगह के दौरे किए और तफसील मालूम की कि इस वक्त तक सैलाब की क्या सूरत है और कितना नुकसान हो चुका है और कहाँ पर किस चीज़ की फौरी तौर पर ज़रूरत है। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। इस मौके पर वज़ीर आला ने जो गुफ्तगू की, आए आपको सुनाते हैं। नहीं फैसला करता रफीक जमाली साहब, फैसला नहीं करते, या सिकंदर रावपोटो फैसला नहीं करता, या नासिर शाह फैसला नहीं करते। ये फैसला इंजीनियरों पे छोड़ा है कि ये पानी को निकालने का रास्ता क्या है। वो जो फैसला बताते हैं, बड़ी सलाह मशवरे के बाद हमने जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं उनको भी बुलाया हुआ है, वो भी आपने देखे होंगे, आपके पुराने जानने वाले इधर बंद पे मौजूद हैं। उनके सलाह मशवरे के बाद एग्जीक्यूटिव डिसीजन करती है, लोगों की बेहतरी में जो होता है वो फैसला करती है। हालत है कंबर शदात को लाड़काना शहर के अंदर पानी है जो निकल नहीं रहा, कहाँ निकलेगा पानी, हर तरफ पानी है। तो हुकूमत कोशिश कर रही है, हुकूमत मेरे हर कैबिनेट का मेंबर डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ है, मौजूद है। नासिर शाह साहब, मुकेश चावला मेरे साथ चल रहे हैं, रहेंगे। अभी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हमने पूरे सिंध के लिए परसों 3,55,000 बैग्स ऑर्डर दिए और अभी मैंने आते हुए सुबह चीफ सेक्रेटरी से कहा इसको डबल कर दो, तो तकरीबन 7-7.5 लाख बैग्स का ऑर्डर सिंध हुकूमत ने दिया है और जैसे ही इसको सप्लाई करेंगे हम देंगे। बाकी एनडीएमए से भी हमें मिल रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब के मैं शुक्रगुजार हूं कि वो आए, इसलिए कि आपको याद होगा पिछले 2020 गया, ये फैसला हुकूमत ने प्लान नहीं किया। भाई ये जो जहां बंद पे हम खड़े हैं ना, ये 2010 से पहले मैं बता रहा हूँ 118 पे ब्रीच हो गया था, इस वक्त 121 पे पानी हमने रोका हुआ है और अभी बड़ा ज्यादा पानी आया नहीं, ये सिंध हुकूमत ने किया। इस वक्त हमारा रोड नेटवर्क ऐसा है कि आज करें पूरी दुनिया से, पाकिस्तान नहीं, मैंने ये यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया, चाइना सबके डिप्लोमेट से बात की है, वजीर आजम ने बात की है, कल हमें टर्की से कुछ सामान मिला, उसकी भी मुझे डिटेल नहीं पता। खराब है बदीन में हमारी स्पाइनल ड्रेन पे ब्रीच आ गया है कल रात को, वहाँ से इमरजेंसी में इवैक्यूएशन चल रही है, जोही में इमरजेंसी में इवैक्यूएशन चल रही है। मैंने नेवल चीफ से भी कल बात की थी, उनके दो हेलीकॉप्टर इस वक्त उधर मौजूद हैं, दादू में आ रहे हैं, इनकी बोट्स मौजूद हैं। पहली हमारी प्रायोरिटी है कि लोगों की जान बचाएं, डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है लोगों की। 2010 के फ्लड में आप लोग मेरे साथ थे इधर, 2010 के फ्लड में सिर्फ ये इलाके डूबे हुए थे, लेफ्ट बैंक जो था हमारा सक्खर ये रोड़ी से लेके 10 दिन में मैं तकरीबन पूरा सिंध, सिर्फ 3 इजला भी रह गए, बाकी पूरा सिंध मैं देख चुका हूँ। इधर मैं तीसरी बार आ रहा हूँ इस वक्त बंद पे, आते जाते जब मौका लगते गुजरता हूँ, तो बहुत पूरी कोशिश करी। जहाँ तक आपने बात की कि ब्रीच दिए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सरदारी साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद उन्होंने अपना यूरोप का दौरा जो कि महीनों पहले स्केड्यूल्ड था उसमें उन्होंने माजरत की यूरोपियन मुल्कों से कि जी मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता, वो इधर मौजूद है। 15 अगस्त से पहले हमारे पास तकरीबन 50,000 टेंट से ज्यादा मौजूद थे और हमने कहा कि कोई मसला नहीं होगा इधर इस एरिया में, तो पहली स्पेल में जुलाई में ही बारिश का पानी आ गया था और इसलिए इधर पहले टेंट दिए थे, इधर खड़े मेरे साथ। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ, अरे माँ तां सा बीठो हुंदुस 2010 में भी बंद थे बीठो हुस, जेस ताई बंद हिंसर चीफ मिनिस्टर आया इन करे तां सा गड़ी थे बीठ तो सका मुझा सब नुमाइंदा इतने इन मुझे दिल तां सा तो धड़के में इन्वॉल्व हुए आईजी के उनके सस्पेंड कर कंखे कौन छड़ी दो जो इन वक्त में गरीबन से जुल्म कंदो उनके सिंध हुकूमत करें। टेंट्स की बात अगर आपने देखा होगा सारे लोग, ये मेरी अपनी कौमी गांव है, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं मैं इधर रहता हूं, इधर भी लोग शिकायत कर रहे हैं और शिकायत उनकी जायज है, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट है, हमने तकरीबन 1,05,000 टेंट्स इस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कराची सिंध है जिते असा चाहिंदासीं यो पॉइंट स्कोरिंग तांखे हिकड़ी तां सभिनी दोस्तन सां मैं उर्दू में बोल लूं यार सारे सुनने तांखे सारे सुनने आप लोग से भी मैं टिप्स और राशन अवेलेबल ही नहीं है। मैंने ये भी कहा ब्लैक मार्केटिंग जो कर रहे हैं उनको भी हम सजा दे रहे हैं,
इधर मुझे कल इतला मिली थी बेनजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, लोग पैसे काट रहे, सारों को जेल में डालूंगा। हमने भी देखा इस वक्त दोनों तरफ दरिया के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, कल रात को सुप्रियो बंद में ब्रीच आया, जो ही जो है उसको खतरा शदीद है। मंसूर का इस वक्त लेवल आप देख रहे हैं 121 है, 2010 वाली फ्लड में ये 118 पे ब्रीच कर रहे हैं। कोशिश यही होगी, देखें मैं आपको फिर बताऊं, कुदरत से आदमी लड़ नहीं सकता, कुदरत की आजमाइश से हम अपना सर झुका के अल्लाह ताला के सामने कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद करें।